वाठोड़ा परिसर में आरोपी पिता पुत्र ने मिलकर एक व्यक्ति को खरे को लेकर हुई मामूली विवाद पर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी है कि संघर्ष नगर झोपड़पट्टी परिसर में जितेंद्र घर के समीप एक टपरी के पास बैठकर शराब पी रहा था। नशा होने पर आनंद ने टपरी से खर्रा लिया। आरोपी ने थोड़े से खरे की मांग की, जिसके बाद मृतक भड़क गया और उसने आरोपी आनंद से मारपीट की। इसके चलते आनंद ने उसके साथ गाली गलौज की। जितेंद्र ने आनंद को 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। वह नशे में अपने घर पहुंचा और बेटे को विवाद की जानकारी दी। बाप बेटा घर से चाकू लेकर निकले और जितेंद्र को पकड़कर चाकू से कूट डाला। स्थानीय नागरिकों ने घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी, जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा किया। आपल्या वाठोडा पोलिसांच्या हद्दीमध्ये देवी नगर म्हणून एरिया आहे, संघर्ष नगर चौकाच्या बाजूला, त्या ठिकाणी एक आनंदराव बावनकर आणि मृतक जितू उर्फ जितेंद्र गुजर यांच्यामध्ये हे दोन दारू पिलेले होते। त्यांच्यामध्ये खर्रा घेण्याच्या याच्यावरून वाद झाला आणि ते एकमेकांना त्यांनी हाताने मारहाण केली। त्यानंतर आनंदराव हे घरी गेले रागाच्या याच्या आणि तिथे मुलाला सांगितलं की असं असं आमचं भांडण झालेलं आहे। आणि मग दोघं पण बाप आणि मुलगा दोन्ही दोघं चाकू आणि कोयता घेऊन याला मारण्यासाठी बाहेर निघाले। त्या गल्लीमध्येच उभा असलेला हा जितू उर्फ गुजर हा उभा होता, तर त्या मुलाने त्याला विचारणा केली। त्यानंतर त्यांच्यामध्ये वादविवाद होऊन आरोपी जो आहे जितेंद्र याने त्याला दिनेशने त्याला चाकूने मारहाण केलेली आहे आणि त्याचा मय झालेला आहे। नाही, यांच्यामध्ये आरोपीचा किंवा फिर्यादीचा कोणताही रेकॉर्ड नाही आहे, मृतकचा कोणताही रेकॉर्ड नाही आहे। आणि तिथे आम्हाला माहिती 112 नुसार कळालेली आहे, 112 कॉल आला होता, त्यानुसार आम्ही तिथे तात्काळ पोहोचलो आणि आरोपींना देखील आम्ही तिथे जाऊन शोध घेऊन तात्काळ पकडलेला आहे। आमची डीबी टीमने त्यांना पकडलेला आहे। नाही, आतापर्यंत तसं समोर आलेलं नाही वादविवाद। पुलिस द्वारा पंचनामा कर जितेंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तत्काल पुलिस ने आनंद और दिनेश को ढूंढ कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। मामूली खर्रे को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की जान चली गई। क्या चंद रुपयों का खर्रा एक जान से ज्यादा महंगा था? यह सवाल आज भी सभी को है। पुलिस ने टपरियों पर चल रहे शराब बार पर कड़क कार्रवाई करना चाहिए। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश श्रृंखलवार की रिपोर्ट।